नहीं है हिंदू हिंदू बोलने का, और मुझे गुस्सा आया बहुत। ये जयचंद तीन चार बार उसने जयचंद जयचंद बोला। हाँ सुनीत पात्र ने लेकिन मुझे ये लगा था कि मेरा पति इतना स्ट्रांग है कि वो इसको मतलब कर लेंगे, फेस कर लेंगे, क्योंकि हमेशा समय पास करके ऊपर डॉमिनेट ही किया। मैं तो डिबेट हमेशा कभी मैंने आपसे क्या रिकॉर्ड है मेरा डिबेट छोड़ दी नहीं थी, सारे काम छोड़ के सिर्फ डिबेट देखती थी, इसलिए कि क्योंकि मैं ही सबसे पहले बताती थी कहाँ पे क्या सही है कहाँ क्या गलत है। पानी भी दो तीन बार पिया हूँ, पानी नॉर्मली पी लेते बस। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आधा हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर लें, या कई बार फीडबैक वगैरह लेते थे कि कैसी मेरी डिबेट रही। कल मैं एकदम पहुँच गई, देखा कि वो पैंट का बटन खोला हुआ था और सोफे पे गिर गए। क्या वो पसीने वगैरह आ रहा था? हाँ वाइट थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद बनना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा मेरा ना बीपी वो हो रहा है फटाफट, मैंने बीपी चेक के लिए डॉक्टर को बुलाया। लेकिन हाँ एक बात मुझे और बोलनी है जी, मैं उसे भी मिलना चाह रहा था। अगर आप हो सकता है तो इसको आप दे देंगे नंबर, ठीक है? जो हो गया हमारा लॉस तो हो गया जी जी, है ना, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, वो पूरा नहीं होगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, पहले उन्होंने एक गाली दी थी है इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया है कभी ये बात, कि उनका ये लास्ट सेंटेंस था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, क्योंकि वो दिल पे ली उन्होंने ली होगी कोई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल पे ले लेंगे। ऐसा उन्होंने बोला था लास्ट। और आज मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे साथ कल से बहुत सारे जो हमारे सोशल वर्कर भी है ना, उनका भी आ रहा है कि उनको इस तरह का शौक लगा है, जानकारी लेना चाह रहा था क्या इस तरह की घटना हुई थी जो आप बता रहे हैं। मैंने बल्कि मैसेज भी लिख के दिया, मोबाइल में मैसेज भी है, मैंने कहा ये बहुत बोल रहा है इसको ठोको, मैंने ये लिख के भेजा, मैंने कहा ज्यादा बोल रहा है, जब उसने जयचंद जयचंद बोला मैंने कहा ज्यादा बोल रहा है इसे ठोको, टीका लगा कर। लास्ट में भी कुछ बोला था, हाँ इनको जाना होगा, जयचंद ने क्या बोला कि इनको कुछ करने, ऐसे कुछ बोला था बैंगलोर के बारे में, कुछ बोला था कि नहीं हाँ वो करने जाना होगा, आग आग लगाने बिल्कुल यही बात बोला थी उसने, आग लगाने जाना। अमित पात्रा को तो अगर कुछ हो सकता है तो जी इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि ऐसा इंसिडेंट किसी और घर में ना हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल हमारा भी मानना है, मेरा व्यक्तिगत मामला मानना तो ये है कि इन पर रोक लगनी चाहिए, जो सम्मान की जो लगती नहीं ना रोक, क्योंकि बोल्ड स्टेप नहीं लेते ना मीडिया के अगेंस्ट लोग, मीडिया जो इतना हावी हो रहा है ना जी, मीडिया के लिए तो क्षमा चाहिए। भाभी ये देखिए हम सब आपके साथ हैं, मैं ये सारी बातें बताऊंगा जाके और जो बातचीत होगी, और हर तरह से आपके साथ हैं, भाई की तरह मानते हैं सब उनको, और जिंदगी भर आपके साथ हैं, इतना आप समझे बच्चे भाई। बड़ा बेटा है जी, बड़ा बेटा हरद्वारी था, हरद्वारी छोटे वाले छोटा है, साथ तो मेरे राजीव त्यागी और कांग्रेस पार्टी हमेशा रहेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी वो नंबर बेटा उसे कंटिन्यू करना, उस नंबर को ही हाँ बस मेरी समझ पाता था, अगर बात हो सकती है उसका नंबर वैसे इनके मोबाइल में होगा, हत्यारा वही है अपना पर्सनल मामला है, क्योंकि अगर या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने चल कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली इन्हीं लोगों की उन्हीं लोगों की बात टीवी चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना, तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस था इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, ये हो जाएगा, हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। सारी बातें बताओ।
कांग्रेस परिवार है, साथ है, आप हौसला रखिए, और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय हौसला रखने के। बिल्कुल, मैं तो मुझे तो कुछ आगे